पति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। जो प्रयास करते करते बीना देवी भी प्रयास की है और टिकट लेकर आ गई है, और मुन्ना शुक्ला भी प्रयास करते करते कल क्लियर हो चुका है कि मुन्ना शुक्ला को भी आरजेडी से टिकट मिल चुका है। लेकिन लोगों का क्या रहा है, हम थोड़ा अभी चुनाव सरगर्मी है, अभी हम पहुंचे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मोतीपुर प्रखंड में, और आइए कुछ जनता है उनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ किनके साथ कौन है और क्या कुछ है। तो क्या आप दोनों लेकर आ टिकट लेकर आ चुके हैं, किसके साथ है आप, बीना देवी के साथ है कि मुन्ना शुक्ला के साथ है, कि क्या कुछ अपना राय दीजिए। दोनों कैंडिडेट बढ़िया है, नोटा के वोट दिया जाएगा। दोनों कैंडिडेट बढ़िया है, नोटा को वोट दिया जाएगा, ऐसा क्यों कह रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का समस्या आज तक दोनों में कोनो नहीं सुना है। नल जल की बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ है, साल भर से जो है बिहार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कोई भी आदमी कैंडिडेट बन सात निश्चय योजना में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का सबसे अहम वो योजना था और आप उसको फेल बता रहे हैं। फेल योजना तो बढ़िया था, नीतीश कुमार फेल करवा दिए है, उनका जो अधिकारी या कर्मचारी लोग जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, जो सांसद यहाँ से बन के जाता है तो उनको जनता दरबार लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आम जनता को समस्या के लिए? एक भी जनता दरबार नहीं लगता है। नहीं, मुख्यमंत्री का तो जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है, डीएम साहब का जनता दरबार लगता है, और वैशाली के में जो जिसको हम वोट देते हैं उसका जनता दरबार काहे नहीं लगता है, उसका भी तो जनता दरबार लगना चाहिए। वैशाली की जनता कहाँ जाएगा, पटना जाएगा, ट्रेन पकड़ का बस पकड़ का गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? क्या कब क्या परिचय हुआ? परिचय छोड़े ना, वैशाली की जनता है, वैशाली की जनता है। क्या कुछ आप किसको वोट देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो दोनों नेता मुख्यमंत्री वो भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छे है, लेकिन हम लोग का नल जल के प्रोमल है, इसलिए हम लोग किसको वोट दे नहीं दे वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। नल जल में कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं गलत भी है, तो कहाँ गलत है सो बताइए ना। अभी गलत कहाँ है, किसको वोट देना चाहते हैं? हम वोट तो किसी को देवे करेंगे, इंडिया को कि गठबंधन को? गठबंधन को इंडिया के देंगे, अभी तो डिसीजन किसी का नहीं। क्या आपका क्या अभिप्राय है? हमारा तो नल जल का समस्या है आज। अरे सभी आदमी यहाँ पर नल जल वाले हैं, सुनिए ना। एक मिनट, जब नल जल का समस्या है, इधर देखिए, जिस समय मीटिंग हुआ हम लोगों को, हफ्ता में दो बार तीन बार मीटिंग हुआ, और उस समय कहा गया कि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो अपने निजी जमीन में लगा सकते हैं नल जल। तो हमने सरकारी जमीन हमारे जगह नहीं है तो हम अपना निजी ज़मीन में लगा लिए नल जल। अब उस समय की बात था कि जो निजी ज़मीन में लगाएगा। अच्छा, तर्क से वितर्क बाद में कीजिए, क्या आप नल जल चलाते हैं क्या? नल जल तो अभी वार्ड मेंबर हैं ना, अभी पूर्व वार्ड सदस्य है, पूर्व वार्ड सदस्य। हाँ, पूर्व वार्ड सदस्य। चलिए ठीक है, तो आइए हम कुछ क्या कुछ अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, क्या आपका वैशाली लोकसभा क्षेत्र में ही है? हाँ, वैशाली। क्या कुछ रुझान है आपका, किस तरफ आप हैं? हम लोग महागठबंधन के तरफ हैं। महागठबंधन के तरफ, तो यहाँ पर कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से? साहेबगंज से। साहेबगंज के जनता से हम रूबरू अभी हुए हैं, उनका भी महागठबंधन के तरफ रुझान है। तो चलिए, क्या आपका नाम हुआ? रट्टू सहनी। रट्टू सहनी, अच्छा चलिए। वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी भी हैं और ये सहनी समाज से आते हैं, इनका क्या कुछ है, क्या कहाँ पर आप लोग का वोट जाएगा? नहीं, हम लोग तो सहनी है तो हम लोग तो देखेंगे, हम लोग सहनी समाज को ही वोट देंगे। सहनी समाज को वोट दीजिएगा? ओ तो सहनी समाज तो मुकेश सहनी आपके जो है कि राजद में है, तो यहाँ से तो राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला है, तो क्या मुन्ना शुक्ला को ही वोट दीजिएगा क्या? देखेंगे, उनको जो अच्छा होगा वो दिखा जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि सहनी समाज इधर है, तो मुकेश सहनी अभी राजद में है, तो क्या राजद का जो उम्मीदवार है मुकेश सहनी उसमें है, तो उन्हीं को ना वोट दीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, जो अच्छा करेंगे उनको हम वोट देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नारद सहनी। हाँ। कहा महागठबंधन को दीजिएगा वोट, किसको दीजिएगा? महागठबंधन को हाँ। क्योंकि मुकेश सहनी उसी में है। हाँ, चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।